चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रयागराज से आ रही है, जहां पर डेंगू के एक मरीज को खून की जगह जूस चढ़ाने का मामला सामने आया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को अब सील कर दिया है। मरीज के इलाज में की गई लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। सीएमओ के नेतृत्व में अस्पताल को सील किया। 3 दिन पहले डेंगू का मरीज भर्ती हुआ था, अब उसकी मौत हो गई है। दरअसल प्लेटलेट्स चढ़ाई जानी थी मरीज को, लेकिन उसकी जगह पर जूस चढ़ा दिया गया। ये इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, उसके बाद अब अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है स्वास्थ्य विभाग ने और इस निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, मरीज के इलाज में लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही की गई और अब इस लापरवाही के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। और ब्रजेश पाठक की तरफ से ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी गई। था कि कुछ प्लेटलेट चढ़ाई गई, उसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में सीएमओ ने ये जांच करवाई, जांच में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख हैं या जांच चल रही है उसके बाद। विकास है हमारे संवाददाता प्रयागराज से, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विकास, बताएं पूरी जानकारी इस खबर पर। देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज के संगम नगरी में लगातार कोरोना के डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं पर बात की जाए तो जिला प्रशासन की, तो लगातार यहां पर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही नकली खून की एक बड़ी गिरोह पकड़ी गई थी और वहीं पर ये फर्जी तरीके से प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल का लोगो लगाकर मुसंबी का जूस प्लेटलेट्स की जगह पर मरीज के परिजन को कुछ अराजक तत्वों ने बेच दिया था। हालांकि इस दौरान जिस निजी अस्पताल में मरीज को एडमिट किया गया था वहां पर ये प्लेटलेट्स चढ़ाई गई थी। हालांकि जांच का विषय यह है कि यह मुसंबी का जूस जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है, और वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि परिजनों के द्वारा जो मुसंबी का जूस या जो भी प्लेटलेट्स दिया गया है उसे ही हॉस्पिटल प्रबंधन ने चढ़ाया है। जी, तो अब इस पर क्या कार्रवाई विकास की गई है और आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट करके कहा कि इस पूरे मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी दोषी पाए जाने पर। देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने सीएमओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम को जांच करने के लिए निर्देश किया था। हालांकि इस दौरान जो पेशेंट मुसंबी का जूस चढ़ाने के बाद जिसकी मृत्यु हुई थी उसको लेकर जांच की गई और वहां पर 3 सदस्यीय टीम ने हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया। वहीं आईजी रेंज प्रयागराज के मुताबिक लगभग 4 संदिग्ध लोगों को इसमें उठाए गए हैं और कुछ लोगों की अभी भी तलाश जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। तो अब इसमें अस्पताल को सील करने की भी कार्रवाई की गई है। उधर